आइए चैप्टर एक में एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में टेन ए की वैल्यू दी हुई है, टेन ए इज इक्वल टू 4/3। तो हमें एंगल ए के अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में टेन ए इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। आइए सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। लेफ्ट ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम जानते हैं कि सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज होती है जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। जिस एंगल के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी है और ये परपेंडिकुलर है और इसे हम पी से डिनोट करते हैं, और जो लास्ट साइड बचती है वो बेस होता है, इसे हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। अब हम अपने राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस पता चल चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेन ए इज इक्वल टू 4/3। हम जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हम जानते हैं कि टेन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और डिनोमिनेटर में बेस हो गया। हेंस परपेंडिकुलर यानी पी इज इक्वल टू 4, बेस यानी स्मॉल बी इज इक्वल टू 3। अब हम जानते हैं कि हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हमें एक रिलेशन फाइंड होता है जो है एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड किया था 4 और बेस 3, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 इज इक्वल टू 25। एच इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू ±5। हेयर −5 इज नॉट पॉसिबल। हम जानते हैं कि −5 पॉसिबल वैल्यू नहीं है क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निगेटिव में नहीं जा सकती। हाइपोटेन्यूज वैल्यू कांट बी निगेटिव, हेंस हाइपोटेन्यूज यानी एच इज इक्वल टू 5। पी इज इक्वल टू, पी हमने पहले फाइंड कर रखा है 4, एंड बी इज इक्वल टू 3। अब हमें अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन ए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो साइन ए इज इक्वल टू 4/5। कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज यानी एच की वैल्यू 5 है। कॉसेक ए, हम जानते हैं कि कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin A यानी 1/4/5 इज इक्वल टू 5/4। कॉसेक ए की वैल्यू आई है 5/4। इसी तरह सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos A और कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है 3/5, तो 1/3/5 इज इक्वल टू 5/3। अब लास्ट रेशियो है कॉट ए। कॉट ए हम जानते हैं 1/10A होता है। 1/10A की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई थी 4/3, तो 1/4/3 इज इक्वल टू 3/4।